मैं बताऊं, हमारा दर्शन इस भौतिक विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार रिजल्ट दे रहा है। वैदिक दर्शन पूर्ण रूप से साइंटिफिक दर्शन है। इसमें कल्पना को कोई स्थान नहीं। व्यावहारिक पक्ष में यह बहुत क्रांतिकारी रिजल्ट दे रहा। आज लोग विश्व हमारे दर्शन के बारे में जानता है वो केवल वैदिक भाषा में, मतलब वेदांत को पुटअप किया जो लिखा हुआ है। भारतीय दर्शन जो है पूर्ण दर्शन हुआ है, जो वेदांत प्लस योग, अकेला वेदांत पंगु है। कथा से पार नहीं पड़ती। जब तक कथा में शास्त्रों में लिखे हुए सूत्रों को इस मनुष्य शरीर की लेबोरेटरी में परीक्षण से प्रमाणित नहीं करते। अब ज्यादा लोग इसलिए अचंभा कर रहे हैं, रोग ठीक हो रहे। दर्शन भारतीय योग दर्शन रोग की बात नहीं करता। ये बात सत्य है कि आज योग रोग का पर्यायवाची बन गया। योग से रोग ठीक करवाने की कोशिश की जा रही है, फिर योग रोग ठीक क्यों नहीं हो रहे। भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य तो मुक्ति है, मोक्ष है, मोक्ष रोग नहीं है। मगर मोक्ष तो मनुष्य की वो उच्चतम स्थिति है, उसके रास्ते में रुकावटें हैं, ये रोग है, बीमारियां और आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं वगैरह वगैरह। जब तक ये ठीक नहीं होगी, प्रकृति का रहस्य मालूम नहीं होगा। क्रियात्मक बदलाव नहीं आ रहा, समझे? तो ये दर्शन क्या है मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म में बताऊं। हमारा दर्शन इस भौतिक विज्ञान के सिद्धांत के अनुसार रिजल्ट दे रहा है। वैदिक दर्शन पूर्ण रूप से साइंटिफिक दर्शन है। इसमें कल्पना को कोई स्थान नहीं। व्यावहारिक पक्ष में यह बहुत क्रांतिकारी रिजल्ट दे रहा। आज लोग विश्व हमारे दर्शन के बारे में जानता है वो केवल वैदिक भाषा में, मतलब वेदांत को पुटअप किया जो लिखा हुआ है। भारतीय दर्शन जो है पूर्ण दर्शन हुआ है, जो वेदांत प्लस योग, अकेला वेदांत पंगु है। कथा से पार नहीं पड़ती। जब तक कथा में शास्त्रों में लिखे हुए सूत्रों को इस मनुष्य शरीर की लेबोरेटरी में परीक्षण से प्रमाणित नहीं करते। अब ज्यादा लोग इसलिए अचंभा कर रहे हैं, रोग ठीक हो रहे। दर्शन भारतीय योग दर्शन रोग की बात नहीं करता। ये बात सत्य है कि आज योग रोग का पर्यायवाची बन गया। योग से रोग ठीक करवाने की कोशिश की जा रही है, फिर योग रोग ठीक क्यों नहीं हो रहे। भारतीय योग दर्शन का मूल उद्देश्य तो मुक्ति है, मोक्ष है, मोक्ष रोग नहीं है। मगर मोक्ष तो मनुष्य की वो उच्चतम स्थिति है, उसके रास्ते में रुकावटें हैं, ये रोग है, बीमारियां और आर्थिक समस्याएं, सामाजिक समस्याएं वगैरह वगैरह। जब तक ये ठीक नहीं होगी, प्रकृति का रहस्य मालूम नहीं होगा। पूर्ण विकास तो समाधि होने से ही होता है। तो मैं जिसकी योग की बात कर रहा हूं वो एक चेतन समाधि होगी। आपकी चेतन समाधि होगी, उसमें आप सब कुछ देखते सुनते रहोगे। तो हमारा दर्शन सभी ईश्वरवादी दर्शन शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति मानते हैं।
गीता में कहा ना ओम तत्सत से ये सब कुछ रचा गया। यहूदी भी कहते हैं, ईसाई भी कहते हैं, मुस्लिम भी कहते हैं कि शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई। जो कुछ दिख रहा है वो शब्द की देन है, मगर शब्द की प्रत्यक्षा अनुभूति और साक्षात्कार उस परम तत्व की सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन करने की बात केवल वेदांत करता है। ये बात तो सत्य है कि हम इस बात को आज तक प्रमाणित नहीं कर पा रहे। प्रकृति का सिद्धांत है उत्थान और पतन। कई संस्कृतियों का उत्थान होता है, पतन होता है, उत्थान होता है, पतन होता है, एक क्रम चलता आ रहा है। तो हम एक पतन के काल से गुजरते जा रहे, इसलिए विश्व हमको ध्यान से सुन नहीं रहा। अभी मैं अप्रैल महीने बॉम्बे था तो वहां मुझे पश्चिम के कुछ विद्वानों के विचार सुनने को मिले, पढ़ने को मिले। उन्होंने कहा जी ये हिंदू क्या धर्म है, ये तो मुक्ति की बात ही नहीं बताता, स्वर्ग में पहुंचने की बात नहीं करता। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, नहीं क्या कह रहे हैं दुनिया भर के लोग। जब मैंने पीछे देखा तो पाया कि स्वामी विवेकानंद जी के अलावा वहां कोई आदमी ऐसा नहीं गया जो हमारे दर्शन की जानकारी देता। और स्वामी विवेकानंद जी ने भी हमारे फिलॉसफी को पुट अप किया, योग की बात नहीं कही, योग क्या है ये नहीं बोला। तो योग क्या है, रोग क्या है, क्यों ठीक होते हैं, ये दर्शन क्या है, इसका मैं थोड़ा आपको विस्तार से बता दूं। जब शरीर की उत्पत्ति शब्द से हुई, फिर इसको वापस शब्द में परिवर्तित किया जा सकता। शब्द से ये रचना हुई, ये स्थूल शरीर वापस शब्द में बदल सकता है, मगर ये बात हम प्रैक्टिकल जगत में प्रूव नहीं कर पा रहे। ये बात सत्य भी है। धर्म प्रचारक लोग, योग सिखाने वाले लोग कहते हैं 20 साल तक ये आराधना करो तो आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। मैं कहता हूं 20 साल तक गुरु चले रहेंगे भी इस दुनिया में, इसकी क्या गारंटी। और 20 साल बाद क्या हो जाएगा जो आज नहीं है। और देखो होना वाना कुछ नहीं भाई, सब कुछ हुआ हुआ है, तैयार है। आप जन्म से पूर्ण हो, 22 वर्ष पूर्ण हो, आप समझ नहीं पा रहे हो आप क्या। लेकिन संसार का कोई गुरु कुछ दे ले नहीं सकता। मेरे इस शरीर में आपके शरीर में कोई अंतर नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी धर्मों का एक ही सिस्टम, इसलिए मेरे शिष्यों में तो सभी धर्म के लोग। दूसरे धर्म के लोग आए रोग मिटाने के लिए, फिलॉसफी को जानने के लिए नहीं आए, मगर जब रिजल्ट मिला तो चकाचौंध हो गए। तो इस प्रकार मैं आपको एक शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई ना, इसको आधार मान करके शब्द ब्रह्म से परब्रह्म की प्राप्ति का एक सिद्धांत है वो बताऊंगा। हर युग में मनुष्य की शक्ति और सामर्थ्य को ध्यान में रखते हुए आराधना के तरीके निश्चित होते हैं। सत्यों के अलग थे, त्रेता के अलग थे, द्वापर के अलग, कलयुग के अलग। तो कलयुग में केवल हरिनाम का जप ही सारी समस्या से पीछा छुड़ाता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा ना, कलयुग केवल नाम आधार सुमर सुमर नर उतर ही पा रहा। तो नाम जब से ही सारी समस्याओं का अंत होगा। मैं क्योंकि कृष्ण उपासक हूं, भगवान कृष्ण मेरे आराध्य देव हैं। मैं आपकी तरह एक साधारण दृष्टि व्यक्ति हूं भैया, कोई महान व्यक्ति नहीं हूं, कोई विशेष व्यक्ति नहीं हूं। आपने मुझे ऊपर बिठा दिया, आप नीचे बैठ गए, मैं बड़ा नहीं होगा, आप छोटे नहीं होगा, कोई अंतर नहीं। ये तो एक हमारा एक हमारी व्यवस्था चली आ रही। जो मुझ में परिवर्तन आया, मैं मानव मात्र में आने का हक रखता हूं। हरेक को ये हक है इस परिवर्तन को लाने की अपने आप में। तो वो आप आराधना, अच्छा आप चाहे किसी धर्म में है, किसी जाति में है, किसी वर्ण में है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हिंदू कभी भी धर्म परिवर्तन की बात नहीं करता, जाति परिवर्तन की बात नहीं करता। हिंदू तो मनुष्य के अंदर चेतना ला करके और परिवर्तन लाने की बात करता है। महर्षि अरविंद जैसे ने तो यहां तक कह दिया आगामी मानव जाति दिव्य शरीर धारण करेगी। मैं जब ये कहता हूं कि ये फिजिकल बॉडी डिवाइन फॉर्म में चेंज हो जाए तो विज्ञान वाले बड़े परेशान है कि क्या कह रहा है। पर जब एड्स और कैंसर जैसे
असाध्य रोग ठीक हो रहे हैं, फिर वो बोल नहीं रहे। तो हमारा दर्शन कहता है मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है, मनुष्य ईश्वर का स्वरूप है। एक मेरी फिल्म है, मैंने बॉम्बे में बनाई 95, उसमें मैंने एक सेंटेंस बोल दिया कि मनुष्य के पूर्ण विकास का नाम ही ईश्वर है। डायरेक्टर ने कैमरा रोक दिया, फिल्म ने बंद कर दिया। मेरे कहने लगे क्या बोल रहा, मैंने कहा फिल्म वाले, ये अद्वैतवाद है, ये हिंदू दर्शन का अद्वैतवाद है जो मानवता में मूर्त रूप ले रहा है। हिंदू दर्शन किसी धर्म की बात नहीं करता, किसी धर्म का विद्रोही नहीं है, विरोधी नहीं है। वो तो इस शरीर में जो कष्ट दुख तकलीफ है उसको ठीक करके और मोक्ष तक विकसित कर देता। लाखों शिष्य मेरे तो इस आड़ोती में, तो मैं पिछले 10 साल से लगातार आ रहा हूं। तो आपको मैं एक नाम बताऊंगा, उसको आपको जपना। बहुत आसान काम है, इतना आसान काम दुनिया में कोई नहीं जितना ये है। और मुश्किल इतना बना दिया, पता नहीं हिमालय के कंदरा में जाना पड़ेगा कि कितने जन्म हो और कितने जन्म की कोई गारंटी देता है। आप इस जन्म में मीठा खाते हो, नमकीन खाते हो, शराब पीते हो, अफीम खाते हो, इसी जन्म में रिजल्ट मिल जाना, तो इस काम में भी इसी जन्म में रिजल्ट मिलेगा। लोग कहते हैं अगले जन्म में मिलेगा, इस जन्म में दे दो अगले में मिल जाएगा। क्यों शराब पीते हो इस जन्म में, फिर असर अगले जन्म में होना चाहिए, इसमें क्यों हो रहा। पर व्यवसाय बन गया धर्म, पेड़ से जोड़ दिया, इसलिए रिजल्ट नहीं दे रहा। वो दीक्षा में फीस लेते बहुत ज्यादा। मैं उनको कहता हूं आप दे क्या रहे हो, जो धन ले रहे हो, मैं आपको कुछ नहीं दूंगा, मेरे पास कुछ भी देने को नहीं है, विशिष्ट बात नहीं है, जो आप में है वही मुझ में। मैंने गुरु कृपा से उन शक्तियों को चेतन कर लिया, आप भी कर सकते। तो इसलिए आपको केवल नाम जपना है जो मैं बताऊं। आप उसने देखिए बुद्धिमानी ज्यादा मत लगाइए, जैसे बताऊं वैसे जपिए। कोई आगे ओम लगा लेता है, कोई पीछे नमे लगा लेता है, किसी प्रकार के प्रण लगाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। और एक और रुकावट कि जो मंत्र मैं बताऊं उसके साथ साथ दूसरा मंत्र नहीं चलेगा। अगर पहले वाला कर रहे हो, ये नहीं चाहते तो मत करो, दोनों के साथ मत मिलाना। तो मैं जो आपको नाम बताऊं उसका आपको जप करना है। उठते बैठते खाते पीते टट्टी जाते पेशाब करते, ये लाइट यार मेरे मुंह पे कम डालो, हर समय जपना। अब 24 घंटा जपना, तो आप आश्चर्य करोगे रात को कैसे जपेंगे, नींद में कैसे जपेंगे। तो जब विज्ञान में टर्म्स है ए जपा जाप, ए जपा जाप एक विज्ञान का टर्म्स है, योग का। रैदास जी के एक भजन से बहुत स्पष्ट होता है, मैं उसका उदाहरण दे दिया करता हूं। रैदास जी को गुरु ने बताया बेटा ये नाम जप, जपना शुरू कर दिया। और फिर वो बंद नहीं हो गए, तो एक भजन में रैदास जी ने गाया अब कैसे छूटे नाम रट लगी, अब कैसे छूटे नाम रट लगी। रैदास जी कहते बंद नहीं हो रहा। तो आप 15-20 दिन उसको जपते रहो, मानसिक जप। देखिए तीन तरह का जप होता है, एक तो बोल के उच्चारण से करो आवाज निकले, एक में और जी बोलते हैं मगर आवाज नहीं, एक में मुंह बंद, जीभ का प्रयोग, मुंह का प्रयोग बिल्कुल नहीं, मन ही मन जपो जैसे आप किताब पढ़ते हैं बिना बोले, उसको जपना है मात्र उसी को, और कोई कुछ नहीं करना। और वो जिस धर्म को मानते हो, जिस देवता को मानते हो, जिस गुरु को मानते हो, सदा रखिए, मैं नहीं किसी को मना नहीं करता, मगर नाम वही जपे जो मैं बताऊं। और साथ मिक्स कर लिया दूसरे के तो भाई नतीजा मिले नहीं मिले मेरी गारंटी नहीं। तो इसलिए 15-20 दिन याद रख के जपो, ऐ जपा शुरू हो जाए, फिर बंद नहीं होगा चाहो तो। दूसरा तरीका इसमें ध्यान। अब ध्यान पे इस देश में पैदा हुए दो धर्म बहुत जोर देते हैं, बौद्ध और जैन, बहुत ध्यान पे जोर देते। आज तो पश्चिम भी बहुत ध्यान दे रहा है ध्यान पे, मगर ध्यान क्या है कोई नहीं बोलता, ध्यान किसे कहते हैं कोई नहीं बोलता। हमारा योग दर्शन स्पष्ट बोलता है ध्यान क्या है,
पातंजलि योग दर्शन में योग के 8 अंगों का अनुष्ठान बताया गया है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। जब तक धारणा पक्की नहीं होगी समाधि नहीं लगेगी। इसलिए ध्यान के 3 रूप, जब आप में नाम जब से परिवर्तन आएगा तो आपको कुछ महसूस होगा कि अड़ंगा क्या हो रहा है, ऐसी हलचल अंदर क्यों हो रही है, तो कुछ विश्वास होगा तो ध्यान स्थिर हो जाएगा। ध्यान यहां लगाइए, ध्यान जब गहरा हो जाएगा उसका नाम समाधि हो जाएगा। समाधि के 2 रूप है, सबीर समाधि, निर्बीज समाधि। ये मानव मात्र को लगने वाली बात है, ये यूनिवर्सल परिवर्तन होगा। अब इस परिवर्तन की बात वेदांति कहते हैं और कोई धर्म नहीं कहता, इसका श्रेय तो वेदांति को है, ये तो कोई नहीं ले सकता। तो अब ध्यान का लो, तो हमारे योग ने शरीर के 2 भाग किए, एक भाग यहां से नीचा नीचा, आंख, कान, नाक, मुंह वगैरह वगैरह, ये 9 द्वार है इस शरीर का। इसमें विद्या पर अविद्या का साम्राज्य है। शरीर के नीचे के पोषण में ध्यान करो और उसी विशिष्ट शक्ति का मंत्र जपो तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा, भौतिक नाशवान चीज हासिल होगी, जीवन के साथ ही खत्म हो जाएगी, आने जाने वाला चक्कर नहीं छूटेगा। तो इसलिए 10वें द्वार पर ध्यान करो। आपने देखा शिव की तस्वीर में 1/3 आंख होती है, वो आप सबके हैं। वो आंख 10वां द्वार अंदर की तरफ खुलता है, बाकी इंद्रियां बाहर देख रही है। ये बाहर जाने का निकलने का रास्ता एंट्रेंस नहीं है, अंदर घुसने का केवल मात्र ये है 10वां द्वार, जो गुरु द्वारा बताए हुए मंत्र से दीक्षा से खुलता है। मगर गुरु प्रॉपर होना चाहिए, सच्चाई होनी चाहिए उसके पास। वो ये ऐसा एक व्यवसाय बना लिया, समझे, रुपया पैसा एक देना लेना नहीं पड़ता, बिना इन्वेस्टमेंट के नेटी प्रॉफिट हो रहा है धर्माचार्यों। अब जब रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो लोग विरोधी हो गए धर्म के। तो इस प्रकार इस जगह ध्यान लगाओ। अब ध्यान है क्या, क्या है ध्यान? महर्षि अरविंद पातंजलि जी ने जब योग की व्याख्या शुरू की तो समाधि पाद के 2 सूत्र में कहा है, चित्त की वृत्तियों का निरोध योग, जो ये भग रहा है इधर उधर, जब तक ये शांत होकर नहीं बैठेगा तब तक न ध्यान है न योग है। आंख बंद किए बैठे रहो भाई जीवन भर, कुछ नहीं होगा। मैं तो कहता हूं रिजल्ट नहीं मिलता तो फिर दूसरा गुरु देखो, गुरु दूसरा जन्म जाता होता है। पहले जन्म का था भौतिक माता पिता, जो इस आठ मास के शरीर की रचना करते। दूसरा जन्म जाता गुरु, जो आत्म साक्षात्कार करवाता, आपकी असलियत बताता है आप क्या हो। देता लेता कुछ नहीं है, देने लेने की गुंजाइश किसी गुरु में नहीं। तो मैं आपको जो नाम बताऊंगा उसको जपोगे। देखिए नाम चाबी है, ध्यान और समाधि के लालच में नाम को गीला मत छोड़ देना। नाम जब करोगे तो ये सारी समस्याओं का अंत हो जाएगा। अब जब यहां ध्यान लगाओ, ये त्रिवेणी है, ये प्रयागराज है असली, यहां ईड़ा पिंगला सुषुम्ना 3 नाड़ियां इकट्ठी होती है, गंगा यमुना सरस्वती कह दो। यहां तक तो 3 रास्ते हैं, यहां से ऊपर 1 ही रास्ता है। देखिए हमारा वेद विज्ञान जब इस शरीर की रचना की व्याख्या करता है ना, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है, उसमें वैदिक ऋषियों ने कहा है ये मनुष्य का शरीर 7 प्रकार के तत्वों से बना है। अकबर फिर उन्होंने अलग अलग तत्व की व्याख्या की, तो पहले ठोस पदार्थ से शुरू किया, मैटर से, अन्न से बनने वाले कोष, इसकी रचना में अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष, फिर आनंदमय कोष, चित्तमय कोष और सत्यमय कोष। तो आज मानव जाति में 4 कोष चेतन हो गए, अन्न प्राण मन और विज्ञान। मगर फिर भी मानव जाति की समस्याओं का अंत नहीं हुआ, कष्टों का अंत नहीं हुआ। तो मैं तो भौतिक विज्ञान के लोगों से मिलने निकला हूं,
कि आपकी साइंस अभी आधी अधूरी है। मानव जाति में जब तक ऊपर के तीन कोष, त्रिपिंड लगाते ना यहाँ, नाथ लगाते वो चेतन नहीं होंगे, समस्याओं का अंत नहीं होगा। ओ ये बात कह तो देता हूं मगर इसको प्रूव करो। पश्चिम में मानता है ये साइंस का युग है, वो कहते हैं क्रियात्मक रिजल्ट दो। पश्चिम को मैंने कही, मेरे उनके कॉरेस्पॉन्डेंस हो रही दो तीन साल से ईमेल से, उन्होंने कहा जी जिस पैरा साइकोलॉजी की बात आप कर रहे हो वो साइंटिफिकली प्रूव कर दो। मैंने कहा आ जाओ। अब उनकी लेबोरेटरी रिजल्ट देने लग गई, एड्स क्योर होने लग गया, कैंसर क्योर होने लग गया, हेपेटाइटिस बी क्योर होने लग गया, गठिया क्योर होने लग गया, अब वो चुप है। मैंने कहा बोलो जिसको इनक्योरेबल कह रहे हो क्योर क्यों हो रहा है? अब वो पीछे हट रहे, वहां आके इज्म आगे आ जाता, इज्म। मैंने कहा हिंदू धर्म किसी इज्म के पचड़े में नहीं पड़ता, वो तो मानवीय धर्म है। ईश्वर ने मनुष्य पैदा किया, किसी धर्म विशेष का आदमी नहीं पैदा किया। इसलिए मोमडन तक में मेरे शिष्यों में रिजल्ट मिल रहा है, कैंसर हो गया मोमडन को तो छुटकारा चाहेगा। वही नाम बताता हूं जब अपने को रिजल्ट मिला है, लिख के दिया है उन्होंने, मेडिकल रिपोर्ट दी है, तो सारे रोग खत्म हो रहे हैं। तो भारतीय योग दर्शन जो है वो तो केवल मुक्ति की स्थिति तक पहुंचाने की बात करता है। रोग सब तो ये रास्ते में आने वाली रुकावटें वो तो आसानी से ठीक हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती। तो इसलिए दो तरीके हैं, नाम जप और ध्यान। ध्यान केवल सुबह सुबह करो, खाली पेट ठोस चीज खाकर करोगे ध्यान तो फिर ध्यान लगेगा नहीं, और लग गया तो यौगिक क्रियाएं शुरू होगी तो जो खाया वो उल्टी हो जाएगी बात, और कोई शर्त नहीं है। नीचे बैठ जाओ, किधर भी मुंह कर लो, कुछ भी बिछा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सी दिशा में भगवान ने। अब वो नाम जब से आपको योग होना शुरू हो जाएगा, उससे आपकी कुंडलिनी जाग जाएगी। कुंडलिनी का जागृत होना और इस आज्ञा चक्र का खुलना साइमल्टेनियसली एक साथ होता है, समझे? वो कुंडलिनी जागृत हो जाती है जब, क्या होता है वो साधक का शरीर प्राण मन और बुद्धि अपने कंट्रोल में कर लेती है और सारी योगी क्रियाएं स्वयं करवाती है। साधक उसमें कोई इंटरफेयर नहीं कर सकता, हस्ताक्षर नहीं कर सकता चाह करके भी। पहले पहले विज्ञान वाले अड़ते थे, मैंने कहा जी आ जाओ डॉक्टर साहब, इंजीनियर साहब आ जाओ, आप तो विज्ञान को सत्य मानते हो, रिजल्ट को मानते हो इस मानवता में। वो दीक्षा दी, योग होने लग गया, रोक नहीं सके डॉक्टर इंजीनियर। उन्होंने कहा जी आपने तो बड़ी समस्या पैदा कर दी। तो इस प्रकार जो योग होगा वो उसी अंग का होगा जो अंग आपका बीमार है, उसी सिस्टम विशेष को कुंडलिनी स्टिमुलेट करेगी, टोनअप करेगी, और जब तक पूर्ण स्वस्थ नहीं हो जाए तब तक वो योग करवाती रहेगी। आप तो केवल बैठोगे आराम से, आंख बंद कर ले, यहां गुरु को देखो आज्ञा चक्कर को, समझे? गुरु क्या है? ये शरीर है क्या? ये गुरु है ही नहीं, ये तो कम चला जाएगा। गुरु तो अमर है, अनादि अनंत है, वो तो आप सबके अंदर बैठा हुआ, समझे? पहले मैंने आपको मैं गृहस्थी हूं, मैंने ये काम स्टार्ट किया, मैं रेलवे में नौकरी करता था। विवेकानंद जी को पढ़ा, उन्होंने कहा गुरु बिना तो मामला पार नहीं पड़ेगा, तो गुरु बना लिया। मैं नहीं जानता था गुरु क्या देता देता, कौन चाह नहीं थे ना, भौतिक थी ना आध्यात्मिक थी, मात्र बनाना था। और उनके आदेश है वो भूत चेत गया बुढ़ा, 7 साल पहले रिटायरमेंट लेके ये काम कर रहा हूं। मेरी इसमें एक अगरबत्ती की सीप नहीं लगी, इसलिए लेना देना इसमें कोई अर्थ नहीं रखेगा। एड्स के एक आदमी को 1 अरब रुपया देकर ठीक करके बता दे कोई, और नहीं तो चुटकियों में हो रहा। तो कई केस ठीक हो गए, मैंने ध्यान नहीं दिया। जब वो आए संसार के सबसे धनी व्यक्ति बिल गेट्स साहब, और डॉलर लेके आए थैला, एड्स मिटाने में आपकी मदद करेंगे, मेरे को बुरा लगा। 24 नवंबर 2002 को मैंने एक प्रेस नोट जारी किया, मेरी एक संस्था है देवस्थान विभाग से रजिस्टर्ड है, मैं कानूनी जवाबदेही हूं मेरी संस्था का। मैंने कहा बिल गेट्स साहब अच्छा होता आप अपनी अमेरिकन गवर्नमेंट से एक
प्रमाण पत्र ले आते कि हमने तो डॉलर से एड्स खत्म कर दिया, अब आपका भी करना चाहते हैं तो वेलकम करते, और नहीं तो वो दो चार पांच लाख जितने भी इधर लिया बिना पैसे ठीक होंगे। उसी दिन तो ये नंबर को ही एक भवरलाल नाम का आदमी, उसकी एड्स ठीक हो गई, जोधपुर की बात है, और मेरा जन्मदिन मनाता है 24 को, तो वो आया, उसने कहा गुरु जी बीमारी तो ठीक हो गई। मैंने क्या बीमारी थी? कहने एड्स थी ना। मैंने कैसे ठीक हो गई? तो उसने बताया, उसने मुझे बताया जी मैं मथुरादास माथुर हॉस्पिटल जोधपुर में भर्ती था, अरविंद माथुर ट्रीटमेंट कर रहे थे, प्रोफेसर है वो मेरे शिष्य अरविंद, तो ड्रिप चल रहा था, ड्रिप बंद हो गया, और 90 किलो वेट का आदमी 46 kg पे आ गया, ड्रिप बंद हो गया, तो डॉक्टर ने कहा घर ले जाओ, ये चंद घंटों का मेहमान, मरा नहीं, रात भर सुबह दृष्टवार था, मेरी दीक्षा में स्टेशन में रात जल्दी आए लेटा दिया। मैं जैसे आपको बता रहा हूं सबको बताया, वो नाम बताया, उसने उसी वक्त जपना शुरू कर दिया मन ही मन। उसने मुझे कहा गुरुजी मैं तो आंख खोल सकता था, मैं हिल बोल सकता था, याददाश्त थी, सुन रहा था, नामजप शुरू कर दिया। तो आज उसमें मेरे पास आया जब 86 kg वजन हो गया, 46 किलो का 86 किलो हो गया। मैंने कहा भैया तो बहुत अच्छा हुआ। तो कहने लगे एक मेहरबानी और कर दो। मैंने वो क्या करूं? कहने लगे इन डॉक्टरों से पीछे छुड़ा दो। मैंने क्यों? कहने लगे ये दवाई जीवन भर लेनी पड़ेगी, 10,000 का खर्चा महीने का, हमारे घर पड़ेगा कौन? तो मैं डॉक्टर साहब के पास जाता हूं, वो लिख देते हैं दवाई ले रहे हो? हां साहब लेता हूं, झूठ बोलता हूं, 2 साल से दवाई नहीं ली, तो इनसे कैसे पीछा छूटेगा? मैंने कहा तू पर्चा निकाल दे एक, कि कैसे ठीक हुआ, क्या हुआ, कैसा। उसने पर्चा निकाल दिया, निकाल दिया तो पत्रकारिता में हलचल मच गई, तो एक अखबार निकलता है मेडिकल हलचल जोधपुर से, वो संपादक मेरे पास आए, उनको जी हम प्रेस के आदमी हैं इस तरह से आए हैं, तो मैं कहा मैं इंटरव्यू नहीं देता इसलिए नहीं कि आप इसको जानते हो क्या पूछोगे, दीक्षा में चलो इस तरह से बैठ गया, आके दीक्षा ले ली, ध्यान किया तो परिवर्तन आना था, जाते हुए कह रहे गुरु जी अब कुछ भी शंका नहीं है। उन्होंने छाप दिया पूरा का पूरा, उसका इंटरव्यू छाप दिया, मेडिकल रिपोर्ट छाप दी, CD4 CD8 का काउंटिंग छाप दिया, परिवर्तन छाप दिया, हल्ला मच गया, हल्ला मच गया। वो सूर्य नगरी जो है ये गवाही है कि एड्स क्योरेबल है, पहला एड्स के विश्व का एक यहां एड्स केस क्योर हुआ, हालांकि उससे पहले सैकड़ों हुए मैं आपको बताऊं, और मुझे मालूम है मैं उनको जानता भी हूं, मगर लोग हाथ जोड़ के कह देते गुरु जी इज्जत चली जाएगी, ये लखपताई दूर हो जाएगी, आपको क्या मिलेगा। मैं ना जाओ भैया मुझे कोई जरूरत नहीं, तो ठीक हो गया, कोई जवाब नहीं दिया। अब ये केस और ठीक हो, अब वो बड़ा अजीब तरीके से ठीक हुआ, समझे, उस आदमी के शरीर में उसी अस्पताल में भर्ती था, वही डॉक्टर था ट्रीटमेंट करने वाला, शरीर में गांठें हो गई, स्वेलिंग आ गई, कुछ परफॉर्मेशन होने लग गया, तो बदबू आने लग गई। डॉक्टर ने कहा ये वार्ड पेशेंट चले जाएंगे, अब इसको डिस्चार्ज कैसे करेंगे। तो मेरा एक शिष्य गंगाराम नाम का उसके मिलने गया, उसका दोस्त था, उसको देख के काबू बदरी, अब तो मामला तो गड़बड़ी है, देखो क्या करेगा भगवान, तू मेरे गुरुजी की तस्वीर का ध्यान कर। वो बेड के सामने तस्वीर टांग थी, केवल तस्वीर का यहां ध्यान किया, योग शुरू हो गया। मैं तो वैज्ञानिकों को कहता हूं कि तस्वीर एक निर्जीव मैटर है, ये इस सजीव में क्यों परिवर्तन ला रहा है बताओ आप, साइंस चुप है। 24 मई को मेरा यहां प्रोग्राम था, एक महीना 20 दिन बाद यहां आया 24 मई को दीक्षा लेने के लिए, वो दशहरा उसमें था, रामलीला मैदान में था, आज वो पूर्ण स्वस्थ है। तो अब केवल तस्वीर से ये परिवर्तन आ सकता है, एक मानव में आ गया सारे मानवों में आ सकता, मगर उसकी वे ऑफ अप्रोच कर्म पुकार दिल से होनी चाहिए, वो सुन लेगा। तो मैंने अभी एक जनहित याचिका पेश की है सुप्रीम कोर्ट में,
चीफ जस्टिस खरे साहब की अदालत में, मैंने कहा यह जनहित याचिका है, अगर तस्वीर से एक आदमी का एड्स ठीक हो सकता है तो हर आदमी का हो सकता है, तो अगर इसको विश्व स्तर पर हाईलाइट किया जाए और संसार के सारे एड्स रोगी ध्यान करें यहां मेरी तस्वीर का, तो अब होगा क्या वो तो भगवान ही जानता है, मगर एक में आया परिवर्तन सब में आ सकता है। तो अभी उसका तो फैसला नहीं हुआ है, वो तो उनका एक प्रोसेस है। तो इस प्रकार सारे लोग ठीक हो रहे हैं, और ठीक हो रहे हैं अंदर वाले डॉक्टर और बाहर वाले डॉक्टर दोनों के सहयोग से। मैं विज्ञान का समर्थक हूं, मैं कहता हूं विज्ञान जहां तक विकसित हो गया सत्य है, अभी पूर्ण नहीं है इसलिए रोग ठीक नहीं हो रहे। तो आपके अंदर एक डॉक्टर बैठा है और आप उससे जुड़ जाइए, प्रार्थना किए करो कि ये बाहर वाले तो नहीं कर पा रहे, आप भी मदद कर दो, फैसला हो जाएगा। अंदर वाले डॉक्टर के लिए कोई रोग असाध्य नहीं है। तो मेडिकल कॉलेज बीकानेर के प्रिंसिपल है डीपी पूनिया, उन्होंने मुझे बुलाया ऑडिटोरियम में, 100-150 डॉक्टर इकट्ठे हुए, इस बात को स्वीकार किया जी हाँ ये तो हो तो सकता है मगर ये प्रैक्टिकेबल है, ये बात हमको सस्ती नहीं है। तो अब तस्वीरों और आडंगा और हो गया, तो ये सब क्यों हो रहा है? ये हमारा मनोविज्ञान मूर्त रूप ले रहा है, ये कोई जादू नहीं है, कोई करिश्मा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, ये विकास मनुष्य जाति में भी था, शुरू हो गया मनुष्य जाति में, केवल हिंदुओं में नहीं। अब देखो भविष्य बताएगा रिजल्ट क्या होगा। तो इस प्रकार एक कैंसर के डॉक्टर मुझे मिले आपके अजमेर में, अभी वो हॉस्पिटल सुप्रिंट है आरके चौधरी, मिलने आए मेरे से। मैंने कहा डॉक्टर साहब मैंने एक बीबीसी से न्यूज सुनी थी 8-9 साल पहले, तो उन्होंने कहा था कि कुछ ऐसे जीन्स पैदा हो जाते हैं शरीर के अंदर जो आदमी के 30 मिनट को आत्महत्या करने के लिए प्रेरणा देते हैं, ऑर्डर देते हैं, और उसका ऑर्डर मान करके 30 मिनट गलने लगते हैं, इस तरह से आदमी गल जाता है, मर जाता है। मैंने कहा आप तो कैंसर के डॉक्टर हो, ये तो रेडियो उसकी मैं कैसे मानू, आप क्या कहते हो? उन्होंने कहा जी बात तो यही है कि हम कैंसर का मूल कारण नहीं समझ पाए कि क्यों होता है, इसलिए आज साध्य कर रहे हैं। मैंने कहा तो हमारा आडंगा भी सुन लो योग वाला। मैंने कहा योग दर्शन के सिद्धांत के अनुसार संपूर्ण ब्रह्मांड अंदर है, जो पिंड में वो ब्रह्मांड में, जो ब्रह्मांड में वो पिंड में, तो इस प्रकार दोनों देव और दानव अंदर ही रहते हैं ना, बातों को यही नहीं जो पूरे ब्रह्मांड अंदर है। तो एक व्यक्ति ने किसी कारण से, कारण से हो सकते हैं, कोई शैतान या देवता वो राक्षस का जो पावरफुल हो गया, प्रभावी हो गया, उसने अपना काम शुरू कर दिया, जिसे आप एड्स कह दो, कैंसर कह दो, हेपेटाइटिस भी कह दो, कुछ भी कह दो, मगर उसमें देवता भी तो है ना, जब सारा ब्रह्मांड है तो देवता बाहर कहां से आया? मैंने कहा किसी भी विषय उस व्यक्ति में देवता चेतन हो जाए, जिसमें दानव हुआ है तो देवता तो ज्यादा पावरफुल है, अरे उस शैतान के ऑर्डर को नहीं मानने दे तो क्या होगा? तब डॉक्टर साहब ने कहा जी फिर तो कैंसर क्योर हो जाना चाहिए, ये 4-5 साल पहले बात। मैंने कहा फिर डॉक्टर साहब आपका कैंसर क्योरेबल है, मगर आप लोग नहीं मानोगे जब तक क्योर ना हो जाए। अब वो उसके बाद में एड्स और कैंसर क्यों क्योर हो जाएगा? मैंने मानवता को मानव पर देव की विजय का क्रियात्मक तरीका बताना शुरू कर दिया। ये किसी जाति विशेष की बात नहीं है, ये मानव संपूर्ण मानव जाति के विशेष हित की बात है। ये परिवर्तन ईसाई में आ रहा है, मुसलमान में आ रहा है, बौद्ध जैन सभी में आ रहा है। तो अब वो दानवीय शक्ति परेशान होकर हार जाती है, देव चेतन हो जाता है, आदमी का रोग ठीक हो जाता है, इसलिए एड्स ठीक हो रहा है, कैंसर ठीक हो रहा है। तो इस प्रकार उस नाम जब से आप में जो शक्ति पैदा हो जाएगी, जो कुंडलिनी जाग जाएगी, वो फिर उस शैतान से अंदर से लड़ेगी, डॉक्टर बाहर से इलाज करेंगे, दोनों मिलकर इलाज करेंगे, क्योर हो सकता, एक का नहीं लाखों का हो रहा है। तो इस प्रकार जब आप ध्यान करोगे तभी योग होगा। आप तो आराम से बैठ जाइए, यहां मुझे देखिए और नाम तो बताओ, वो जब से जाइए फिर योग शुरू हो जाएगा। तो उसी अंग का योग होगा जो बीमार है। बीमार क्या होता है बताओ? पत्रकार दुआ है इसलिए बता रहा हूं।
यहां बैठा है वो परमपिता परमात्मा ससुराल में, उससे जिस अंग का कनेक्शन कुछ गड़बड़ हो जाता है, लूज हो जाता है ना, यहां का मैसेज पास नहीं होता करेक्टली, इसलिए गड़बड़ हो जाता है। इस योग से उस सिस्टम को सही कर दिया जाएगा, आप यहां से सीधा उस पर्टिकुलर अंग से जुड़ जाएगा, वो ऑर्डर दे देगा जिस ढंग से चलोगे तो ठीक हो जाएगा। अरविंद आश्रम की मैं एक आदमी को कैंसर हो गया, उस वक्त एक फ्रांसीसी डॉक्टर ने मदर को बताया, वहां की संचालिका थी अरविंद आश्रम की, फिर मदर ने जो बताया डॉक्टर ने क्या कहा मुझे, उसकी बात बता रहा हूं उसके शब्दों में, कि डॉक्टर ने जो मुझे बताया उसके अनुसार मैं जो समझी वो ये है कि कैंसर कोई रोग नहीं है, ये उसके शब्द हैं, मतलब शरीर के कुछ कोशिकाओं ने सुप्रीम पावर से विद्रोह कर दिया, उसको अनुशासित करके ठीक किया जा सकता है, ये रोग नहीं है। अब कैंसर ठीक हो रहा है, ब्लड कैंसर ठीक हो रहा है, एड्स ठीक हो रहा है, तो वो अंदर वाला डॉक्टर और बाहर वाला डॉक्टर दोनों मिलना चाहिए, अकेले तीनों थेरेपी से काम नहीं चलेगा, मगर तीनों थेरेपी करवाते रहिए। देखिए विज्ञान एक सत्य है, अभी अपूर्ण सत्य है, पूर्णता प्राप्त करेगा, ये बात भी ठीक है। तो इस प्रकार नाम जप और ध्यान से सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे मेडिकल साइंस में उसे इनक्योरेबल कहते हैं, करके बता रहा हूं, लाखों के करके बता दिए, जवाब क्यों नहीं दे रहे, क्यों हो गई इतनी भीड़ इकट्ठी, भगवान थोड़े थे ना, तिलक छपा थोड़े किया, कथा थोड़ी बांट रहा हूं, इस शरीर की गंध को पढ़ा रहा हूं जो आपके पास है, दो विद्या होती है अपरा और परा, अपरा विद्या लिखी पड़ी जाती है, परा विद्या उससे ज्यादा करेक्ट रिजल्ट जाती है, वो अनिर्वाच्य शब्द है, वो बांटने की शरीर को पढ़ने का तरीका है, ये सबका एक है, मुसलमान ईसाई बौद्ध जैन। तो इस प्रकार उस नाम का तो ध्यान से सारे रोग ठीक हो रहे, तो एक बॉम्बे से एक प्रोजी आ गए, तो उसके ना फलोदी के उनको एड्स था ना एड्स नहीं, कैंसर है हेपेटाइटिस बी दोनों, और मैंने उसी दिन से डॉक्टर से कैंसर वाले से मिलने के बाद में ये बताना शुरू कर दिया कि कौन कौन करेगा ठीक, कैसे होगा ठीक, वो बोरा जी आ गए, बोरा है पुष्करना बोरा जाते थे, मुंह सारा गल गया था, पानी भी नहीं पी सकता था, उसकी वाइफ चम्मच से दूध पिलाती थी, और फिर मौत सामने होती है तो बड़ा ध्यान करता है आदमी, मौत से बचने के लिए सब कुछ करने को तैयार है, पर उसने रात और दिन नाम जपना शुरू कर दिया। आप ताज्जुब करो, 22वें दिन रिजल्ट नेगेटिव आ, सिर्फ 22वें दिन रिकॉर्डेड है, पॉजिटिव रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, नेगेटिव नहीं आई, बॉम्बे चले गए, उसके दो तीन रिश्तेदार मेरे पास आए, कहने गुरु जी हम तो इससे मिलने के लिए इसलिए है कि ये तो महीना 20 दिन का मेहमान है, मिल गया हूं, तो उसकी औरत ने उस से कहा कि गुरु जी की मेहरबानी से ब्लड कैंसर है, क्या किस भी ठीक होगा, तो उससे रिश्तेदार मिलने गए, कहने गुरु जी दीक्षा तो हमने मिली आपसे, मगर हमने तो सीरियसली नाम लगा ने ध्यान किया, अब तो उसकी वाइफ को पूछा तो कहते वो तो बॉम्बे चले गए, बीमारी कहे तो ठीक हो। मैंने बोरा जी को मैसेज किया, मैंने कहा बोरा जी नेगेटिव रिपोर्ट करवा के भेज दो, अब उसने मेरे को मैसेज किया गुरु जी मेरा तो फ्लैट बिक गया, सब कुछ बिक गया, रिपोर्ट के 5,000 रुपये लगेंगे, मेरे पास है नहीं, आप भेज दो मैं करवा लूंगा। मैंने कहा ये दोनों काम मेरे से करवा, तो इस प्रकार रोग ठीक हो रहा। भारतीय दर्शन में वर्णित सिद्धांत के अनुसार ठीक हो रहे हैं, ये तो फिजिकल एक्सरसाइज करवाई जा रही है ना, योग के नाम से बिक रहा है, योग बिक रहा है, कीमत भी जा रही है। मैं तो कहता हूं एलोपैथी में वो फिजियोथेरेपी जो कराते हैं ऑर्थोपेडिक सेशन, वो इन योगाचार्यों से ज्यादा करेक्ट है। तो इस प्रकार जो योग होगा उससे आपके सारे शारीरिक रोग ठीक हो जाएंगे, चाहे आप किसी जाति के हो, किसी धर्म के हो, किसी वर्ण के हो, कोई इफेक्ट नहीं आना। हिंदू कभी भी धर्म परिवर्तन को स्वीकार नहीं करता, वो तो मानव में परिवर्तन की बात करता है, चाहे कोई आ जाए, विधि वही अपनानी पड़ेगी जो हमारा दर्शन बताता है, गुरु के प्रति सद्भाव रखना पड़ेगा, नाम बताएगा वो जपना पड़ेगा, वो केवल रोग ही ठीक कराने आए हो ना तो सरदर्द ठीक नहीं होगा, जान से सुन लो।
मैं जिस फोर्स को डील करता हूं वो बिना इंस्ट्रूमेंट मूव करती है। ये सुप्रीम अरविंद से सुप्रामेंटल फोर्स का है कृष्ण को, तो कृष्ण का नाम का ही कृष्णा है कि रोग ठीक हो रहा, और रोग ठीक होना तो प्रारंभिक स्टेज है, मोक्ष की स्थिति तक विकसित हो जाता है। महर्षि अरविंद ने उसको पार्थिव अमृत्व की संज्ञा दी, पार्थिव अमृत्व टेरिस्टोरियल इमोर्टिलिटी। तो इस प्रकार सारे सारी जो वो ठीक हो रहे हैं, ठोस वैदिक दर्शन को दोष दे कल्पना नहीं है, गुरु बना लिया इसलिए नहीं ठीक हो गए। मैं जो बताऊंगा उस तरीके से ध्यान और जप नहीं करोगे ठीक नहीं होगे, किसी गुरु में वो शक्ति नहीं है ठीक कर दे। अब दूसरा मानसिक रोग, मनोरोग आज जो है के कारण से 80% बीमारियां मनोरोग से होती है, मानसिक तनाव से संबंधित है। अब भौतिक साइंस के पास उसका कब तक इलाज नहीं है, कोई इलाज नहीं है, केवल नशा देते हैं। वो नशा जो जो उतरा वो तनाव वैसा, वो रोग वैसा, पार नहीं पड़ रही, नींद नहीं आती, काम पर जो फलाऊ तो ये दो, साउंड स्लिप नहीं आती, एनर्जी रिस्टोर नहीं होती, रोग ठीक नहीं होता। नशा तो हम भी करवाते हैं, नशा तो हम योग वाले भी करवाते हैं, वो भगवान के नाम का नशा, ईश्वर के नाम का नशा है। हमारे ऋषियों ने उसको नाम कुमारी का, नाम कुमारी ईश्वर के नाम की कुमारी। नानक देव जी ने कहा इस संबंध में एक जगह, भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, दिन में भांग दतुरा पिए रात भर सो नशा खत्म हो जाता है। भांग दतुरा नानका उतर जाए प्रभात, नाम कुमारी नानका चली जाए दिन रात। यही बात कबीरदास जी कहते, नाम अमल उतरे ना भाई, और अमल चिंचिन चट उतरे, नाम अमल दिन बढ़े सराया। तो मैं जो आपको नाम बताऊंगा उसको जपोगे तो आपको एक मादकता आ जाएगी, डॉक्टरों की भाषा में इंटॉक्सिकेशन विदाउट ड्रग, बड़े हैराने क्या कर दिया आपने, समझे। अब भगवान कृष्ण ने गीता में उसको आनंद कहा है, गीता में पांचवें अध्याय में श्लोक 21, छठे अध्याय में 4 श्लोक है, 15, 21, 27, 28, उसमें भगवान ने कहा है उसको दिव्य आनंद कहा है, अक्षय आनंद कहा है, इंद्रिय अतीत आनंद कहा है, अद्वितीय आनंद कहा है। मगर जब तक ये आनंद नहीं आता, ये भौतिक मानव आनंद और सुख में भेद ही नहीं कर पाते। भौतिक रूप से सुखी है, ओ धन दौलत बेटा पोते कार बंगला, अजी आनंद में, और एक आइटम में गड़बड़ आ जाए तो आनंद में खलल पड़े, आनंद में खलल पड़ गई, अक्षर नहीं जाते, अक्षर कहां हुआ। अब छोटे बच्चे अभी जो आए हैं साथ में वो खेल रहे, मैं देख रहा हूं वो बैठा खेल रहा, मेरी बात में उसको आंखें नहीं दो, मेरी बात में उसको आनंद नहीं आ रहा। अब जिसमें आनंद आ रहा है 25 साल का होएगा उसमें नहीं आएगा, अब जिसमें आ रहा है उसमें आनंद नहीं आएगा, 25 साल में किसी और बात में आएगा, और 70-75 में पहुंच जाओ तो फिर और किसी बात में आनंद। तो वो आनंद नहीं है भैया, वो तो इंद्रियों द्वारा अनुभूत किया जाने वाला सुख दुख है, आनंद तो इंद्रिया अतीत है। तो इस प्रकार आप नाम जब ध्यान करोगे आपको किनकी हो रहा उस आनंद की स्थिति में रहोगे, वो नशा उतरेगा नहीं नाम वाला, इन वाला तो उतर जाता है, पैसे भी लगते हैं तो इसमें हमारे वाले में पैसा लगे टक्का रंगा चौक। तो इस प्रकार उस नाम कुमारी से मेंटल टेंशन खत्म, उससे संबंधित सारी बीमारियां खत्म, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर, उन्माद, पागलपन तब ठीक हो रहा। ऐसे कैसे जाए कि मेंटल डॉक्टर ने कह दिया आगरा भर्ती करा दो, नहीं तो चक्कू छुरी से किसी को मार देगा, आज पूर्ण स्वस्थ होकर जीवन जी रहे हैं। ऐसे कि लड़कियों में ज्यादा हुआ है मेंटल टेंशन का केस मेरे साथ, वो ठीक हो गई। मिडिल फेल लड़की ने एमए कर लिया जोधपुर में, अब वो डॉक्टर हैरान है। तो इस प्रकार मानसिक तनाव से संबंधित सारे रोग खत्म हो जाएंगे प्रभु के नाम स्मरण से, कृष्ण की शक्ति से, आपके अंदर जो चेतना आई है उससे ठीक होगा। तो इस प्रकार शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, अब नशे छूट जाते। पश्चिम के कई लोग मेरे शिष्य हैं, ज्यादा तो नहीं है 10-15, उन्होंने कहा कि जी ये नशा मारेगा हमको भगवान से, भगवान से तो हम मरने वाले नहीं, ये छूट जाए तो हम तो मिल लिए भगवान से, समझे। मगर छूट नहीं रहा,
परिवर्तन क्यों हो रहा है, इसका भी ठोस आधार है। वैदिक दर्शन का ठोस सिद्धांत है इस परिवर्तन का भी। आप सब जानते हो इस सृष्टि की उत्पत्ति त्रिगुणों में माया से हुई, रजोगुण तमोगुण और सतोगुण। ये तीनों वृत्तियां हर मनुष्य में है, जाति धर्म का कोई इसमें लेना देना नहीं है। जो वृत्ति प्रधान होती है, बाकी जो गुण होती है, जो डोमिनेट करती है, जो अंदर मांग करती है, वो आपको सप्लाई करना पड़ेगा। जब तक मांग नहीं खत्म कर सकोगे आप, उस इन तामसिक ग्लैंड्स को निष्क्रिय नहीं कर सकोगे, तब तक मांग नहीं खत्म होगी। मांग नहीं खत्म होगी तो वो पूरी करनी पड़ेगी, नशा करना पड़ेगा, नहीं तो अफीम से छुटवा दो, नशा मत करो, मर जाएगा। पहले पहले डॉक्टर आते थे, अब तो बोलते नहीं। मेरे कल ने कुछ ठीक है, छूट गया अफीम, मान लिया, मगर आफ्टर इफेक्ट्स के लिए आज तक जो खाया, मनो अफीम खा गया होगा, दो दो किलो महीने का खाने वाले आ गए, तो कहने लगा छूट गया ठीक है, पांच दिन में छूट गया, चार दिन में छूट गया, मगर आपका फेस क्यों नहीं है। मैंने कहा जी मैं आपके इस सिद्धांत को नहीं मानता, आपका फेस कोई चीज नहीं है। अगर आपका फेस नाम की चीज होती तो मेरे हिसाब से छुड़वाने पे भी होता, वो आदमी की डिमांड थी, मैंने खत्म कर दी, आप उसको आपका फेस करो। डॉक्टर बोलते नहीं, तो वो डिमांड है आदमी की, जो प्रति मांग कर रहे हैं वो आपको सप्लाई करना पड़ेगा। ये डिमांड एंड सप्लाई का सब्जेक्ट है, केवल वो सेंटीमेंटल बात नहीं करनी है, और सेंटीमेंट्स को उभार करके और गुमराह करने का तरीका नहीं है। तो इस प्रकार वृत्ति बदल जाती है। गीता में देखिए 17वें अध्याय में 3 श्लोक है, 8, 9, 10, उसमें भगवान ने कहा तमोगुण क्या पसंद करता है, खाना पीना, रजोगुण क्या करता है, सतोगुण क्या करता है। और गीता ही में 14वें अध्याय में 10वें श्लोक में कहा है ये वृत्ति बदल सकती है, ये वृत्ति बदल सकती है, तमोगुण रजोगुण दबा दो तो सतोगुण उभरेगा, दूसरी दो को दबा दो तीसरा उभरेगा, ये गीता स्वीकार करती है। मगर ये वृत्तियां बदलने की बात तो साइंस के समझ नहीं आती। मैंने डॉक्टर को कहा जी अब क्या बताऊं आपको, तत्व क्या है आपकी टेस्ट ट्यूब में नहीं आएगा, वृत्ति क्या है आपकी टेस्ट ट्यूब में पकड़ में नहीं आएगी। आपकी साइंस तो टेस्ट ट्यूब में कैद है, हमारी टेस्ट ट्यूब तो पूरा ब्रह्मांड है। अब वो मेरे से बहस कर लेते मगर रिजल्ट मिल रहा, तो अब कितने लोग उपदेश दे रहे हैं, नशा बहुत बुरी चीज है, ये शराब नागन है, ये है वो है, कोई मानता है क्या, कोई नहीं छोटा उपदेश है। तो मैं फिर वो गलत काम क्यों करूं, मैं उपदेश क्यों दूं, मैं तो साफ कहता हूं बोतल पी रहे तो डेढ़ शुरू कर दो चैलेंज के साथ, मगर नाम को भी मत छोड़ो, नाम और नशा साथ नहीं चल सकता। मैंने लाखों आदमी का आखिर छोटा दिया, हीरोइन छोटा दी, साइंस क्यों नहीं बोलती, साइंस क्यों नहीं बोलती, फिर वहां इज्म आ जाता है। तो इस प्रकार स्वामी विवेकानंद जी की एक बात बताऊं मैं आपको, अमेरिका में कहीं प्रवचन दे रहे थे तो एक अमेरिकन ने खड़े होकर पूछ लिया कि महाराज लेक्चर तो खूब लंबे चौड़े दे रहे हो, आपका हमारा सौदा नहीं बैठेगा, आपके धर्म में तो शाकाहारी मांसाहारी अजीब सिद्धांत है, हम सारे सारे मीट खाते शराब पीते। तो समझू ने चलते इस बीच में कह दिया यू नीड नॉट टू गिव अप द थिंग्स, द थिंग्स विल गिव यू अप। तो आप में जो परिवर्तन आएगा द थिंग्स विल गिव यू अप के हिसाब से आएगा, न कि आपकी बुद्धि की प्रयास से या मेरे उपदेश नाम जब आप ध्यान नहीं करो तो कुछ भी परिवर्तन नहीं। तो इस प्रकार नाम जब ध्यान से शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशों से पूर्ण मुक्ति, और कोई डॉक्टर की भाषा में आफ्टर इफेक्ट्स नहीं होता। मैं उनको कहता हूं ये आफ्टर इफेक्ट्स वाला नहीं मानता आपका सिद्धांत, मैं कहूं ये डिमांड है, डिमांड में सप्लाई का सब्जेक्ट है, सप्लाई नहीं करोगे झगड़ा, साइंस जवाब नहीं देती। तो इस प्रकार भौतिक जीवन में तो परिवर्तन आ गया, शारीरिक रोग खत्म, मानसिक रोग खत्म, नशे से मुक्ति, मगर ये परिवर्तन आपके अंदर वाली सत्ता ने किया, मेरे वाले उपदेश से नहीं होगा। नाम से कोई ध्यान नहीं करोगे कुछ भी नहीं होगा। अब क्या है देखिए, कलयुग है ना, विश्व के सभी धर्मों की एक ही जैसी स्थिति है, धन से धर्म चला रहे, माया से राम को संचालन कर रहे हैं, उल्टी गंगा बार है,
राम को किसी की शक्ति की जरूरत नहीं है, चल रहा है बटनलेस चल रहा है। तो अब क्या क्या कह रहे हैं सभी धर्मवाले, क्या कहते हैं देखो पीछे देखो क्या हुआ। हम कहते हैं देखो राम ने किया, कृष्ण ने किया, और चले जाओ सत्योग में, देखो पीछे देखो, ईसा ने किया, मूसा ने किया, मोहम्मद ने किया, महावीर ने किया, बौद्ध ने किया, देखो क्या किया, हम पीछे देख रहे हैं और चल रहे हैं आगे, चल रहे हैं आगे, देख रहे हैं पीछे, फिर गड्ढे में नहीं गिरेंगे, ठोकर नहीं खाएंगे तो क्या होगा। आगे देखने की बात कोई बताता ही नहीं है। हमारा जो योग दर्शन स्पष्ट बताता है कि भूत भविष्य को देखा सुना जा सकता है, मैं विज्ञान वालों को चैलेंज दे रहा हूं, मेरे लाखों से जब अनलिमिटेड पास फ्यूचर को देख रहे हैं सुन रहे हैं लाखों, आपकी बहुत ही सांस बांधती है ना, जो शब्द बोला जा चुका है वो ब्रह्मांड में रहता है, नष्ट नहीं होता। अगर आपके पास प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट है तो आप उसको सुन सकते हो। हमारा योग दर्शन कहता है जो शब्द है तो बोलने वाला भी रहा होगा, उसके बिना शब्द कहां से आया, उसको बोलते हुए देखा सुना जाना संभव है, बोलते हुए देखा सुना जाना संभव। आगे कहता है वो तो फिल्म पहले बनेगी, घटना पहले घटगी और रिप्ले दिखा रहे हैं। हमारा योग कहता है भविष्य को देखा सुना जा सकता है, जो घटना नहीं घटी उसे पहले देख सकते हो, जो शब्द नहीं बोला गया हो उसको पहले सुन सकते हो। मैं इस चैलेंज को लेकर दुनिया में निकला हूं, मैं एक भगवान वस्त्रधारी नाथ का शिष्य हूं, समझे, मेरे गुरुदेव नाथ सन्यासी थे, उनके आदेश से ये काम कर रहा हूं। माए की हूं बोल तब ही रहा अंदर से, समझे समझे। तो इस प्रकार परिवर्तन आ रहा। अब जब आप ध्यान और समाधि की स्थिति में भूत भविष्य को देखोगे तो फिर जो होना है वो फिर मरना जन्मना घात और प्रतिघात आगे जो होने वो दिख जाएगा, दिख जाएगा। तो फिर आगे दिख जाएगा तो वो गड्ढा दिख जाएगा, उसमें क्यों पड़ोगे, वो पत्थर दिख जाएगा क्यों ठोकर खाओगे। मतलब सफल पूर्ण सफल जीवन जीने का तरीका है हमारा योग। पातंजलि योग दर्शन चार भागों में बनता, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और केवलपाद। विभूतिपाद के तीन दो सूत्र है 33 और 36, उसमें ऋषि ने एक ज्ञान प्राप्त होने की बात स्वीकार की है, उस ज्ञान का नाम है प्रातिभ ज्ञान। जब साधक को प्रातिभ ज्ञान प्राप्त हो जाता है उसको छह प्रकार की सिद्धि होती है, उसमें पहली सिद्धि है ज्ञान और समाधि की स्थिति में अनलिमिटेड पास फ्यूचर को देखना सुनना, उसकी सेल्फ रियलाइजेशन और सेल्फ विजुअलाइजेशन करना, पूर्ण रूप से प्रूव हो रहा। तो इस प्रकार ध्यान में आपने अगर अपने कई मित्रों की रिश्तेदारों की जिससे आप परिचित हो मोह तो देख ली, मोह तो देख ली, जैसे देखी वैसे वैसे होती चली गई। अप्रोक्सीमेटली किस उम्र में होगा करेक्ट टाइमिंग से नहीं मालूम कर सकता, करेक्ट टाइमिंग से मालूम हो सकता है त्रिकालदर्शी को, मगर वो चुप हो जाता फिर बोलता नहीं। तो इस तरह आपने अगर 25-30 आदमी में मौत देख ली वैसे ही हो गए, एक्सीडेंट से मरा के बीमारी से मरा के कैसे मरा, और विचार आ गया जाना तो तेरे को ही पड़ेगा कौन अमर हुआ है, दिख जाएगा किस तरह से मरोगे, पहले उसको दिख जाएगा समझ। अब वो इतने 20-30 और मरे दिखने के मुताबिक तो आदमी कोई चिंता नहीं, अब अपने वाली मौत दिखी घबरा गए, मरने से बहुत डरती है दुनिया। जब मौत अनिवार्य है बच नहीं सकते डरते क्यों, वहां एक माया वाला प्रपंच आ गया, माया ने मौत को ऐसा डरावना बना दिया कि उसे कोई स्वीकार नहीं करता और वो पीछा नहीं छोड़ती। इस आराधना से आपके सामने मृत्यु की सच्चाई प्रकट हो जाएगी, फिर आप सोचोगे कि जल्दी पीछा छूटे इस झंझटों से, मौत तो एक ऐसा वरदान है इसमें आने जाने की छुट्टी। तो इस प्रकार कबीर ने इस बारे में कहा जहां मरने से जग डरे मोरे मन आनंद, कब मरी हो कब पाई हो पूर्ण परमानंद। तो इस प्रकार भौतिक जीवन को जीते हुए पार्थिव अमृत है ये, इस आज तक क्या होता था,
सिद्धांत आप सभी जानते हो, परम तत्व को प्राप्त हो गया है। इसका मतलब परम तत्व यानी और कहीं है। अब जिस योग की बात महर्षि अरविंद ने कहा है, वो यही करेगा, इसी शरीर में करेगा, इसी भौतिक जीवन में परिवर्तन कर देगा। उसको टेरिस्टोरियल इमोर्टलिटी का है, पार्थिव अमृत की संज्ञा दी है। तो भाई इस तरह से आराधना करोगे तो ये सारे परिवर्तन आ जाएंगे। फिर दूसरी मौत का तो दुख नहीं देख सकोगे, एक तो आएगी, दूसरी का इसलिए नहीं देखोगे दोबारा जन्म ही नहीं पाएगा। चाहे आप किसी जाति के, धर्म के, वर्ण के, कोई फर्क नहीं। शब्द से सृष्टि की उत्पत्ति हुई मानते ना, आप सब जानते हो पांच तत्वों से ये रचना है शरीर की, आकाश, वायु, जल, अग्नि, पृथ्वी। आकाश की सूक्ष्म तन्मात्रा शब्द है, हमारे ऋषियों ने उसको देखा समझा और उसका नाम रख दिया ओम, अर्थात ईश्वर। अब देखिए वो ओम अर्थात ईश्वर नीचे उतर रहा है, अधोगमन कर रहा है आकाश से। फिर वायु प्रकट हुई उसकी तन्मात्रा स्पर्श, फिर अग्नि प्रकट हुई उसकी तन्मात्रा स्वरूप, फिर जल प्रकट हुआ उसकी तन्मात्रा स्वाद, और फिर पृथ्वी प्रकट हुई उसकी तन्मात्रा गंध। इस प्रकार पृथ्वी में पांचों तत्व है और पृथ्वी से हम सब पैदा हो गए। भौतिक जीवन में ये पृथ्वी तत्व है, ये आकाश तत्व है, साइंटिफिकली प्रूव हो रहा है। इन दोनों के कारण से ये सृष्टि पनप रही है, चल रही है जिंदा। तो ये उस परम सत्ता ने अधोगमन करते हुए इस रूप में आकर बैठ गया। अब इस प्रक्रिया को उठ दो, एक एक तत्व को जीतते हुए वापस यहां अपने असली रूप में क्यों नहीं बदल जाओगे? दिक्कत क्या है? साइंटिफिक बात है, एक प्रोसेस से ये रूप है, दूसरे से आप अपने असली रूप में बदल जाओगे। तो मैं जब कहता हूं कि आपने डिवाइन फॉर्म में बदला है, फिजिकल बॉडी डिवाइन फॉर्म में बदलेगी, तो बड़े हैरान हो रहे हैं साइंस वाले, मगर वो बीमारियां ठीक करेगी इसलिए बेचारे चुप। तो इस प्रकार जब मैं आपको नाम जब ध्यान करवाऊंगा, आपकी कुंडली जाग जाएगी और फिर ऊर्ध्वगमन करें, ऊपर उठेगी। तो योग में तीन बंद लगते हैं। पहला बंद लग जाएगा आपके मूलाधार में, तो अपान वायु जो नीचे जा रही है वो फिर ऊपर उठने लग जाएगी। कुंडली उस हवा के पुष्प के साथ ऊपर उठेगी, जो नाभि से ऊपर उठी, दूसरा बंद लग जाएगा जिसे उड़ियान बंद कहा है, उड़ियान बंद। ऊपर उठते उठते यहां कंठकूप से ऊपर गई कुंडली, तीसरा और अंतिम बंद लग जाएगा, उसे कहा है जालंधर बंद। अब बाकी हिस्सों से वीज के भी कराया गया, उसमें फिजिकल एक्सरसाइज संभव नहीं, फिर प्राणायाम होगा। आज तो प्राणायाम पहले ही करवाते, प्राणायाम तो आखिरी स्टेज है। प्राणायाम तो पूर्ण कुंभ हो जाएगा, आज्ञा चक्र से ऊपर चली जाएगी कुंडली, फिर कोई योग नहीं होगा, समाधि स्टेज होगा। मगर जब तक रोग रहेगा समाधि लग नहीं सकती, राम की तरफ ध्यान ही नहीं जाएगा, रोग की तरफ जाएगा। इसलिए हमारा योग दर्शन त्रिविधि तो आप साध करने की बात करता है, आदि दैहिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, फिजिकल डिजीज, मेंटल डिजीज और स्पिरिचुअल डिजीज। गोरखनाथ जी ने समझ में एक जगह कहा है, ये योग जो है वेद रूपी कल्पतरु का अमर फल है, इससे साधक के त्रिविधि ताप शांत होते, फिजिकल, मेंटल और स्पिरिचुअल, आपकी अंग्रेजी भाषा। इससे भारत कोई रोगी नहीं, इसलिए सारे लोग ठीक हो रहे हैं। ये कोई जादू नहीं हो रहा है, करिश्मा नहीं हो रहा है, चमत्कार नहीं है, झाड़ा नहीं लगा दी। मेरे पास कई आते हैं लोग, शाम को प्रोग्राम है, सुबह आ गए मेरे पास, मैंने कहा शाम को आओ, शाम को आओ, कहने लगे एक झाड़ा तो अभी लगा दो, थोड़ा ज्यादा फायदा उसे। अब कौन सा झाड़ा लगाने की बात तुमको सिखा रहे हैं दरगुरु, मुझे तो समझ नहीं आता। तो एक आपका क्रियात्मक विकास है। देखिए अरविंद ने कहा मैन इज अ ट्रांजिशन बीइंग, ही इज नॉट फाइनल, पर आगे कहता है पूर्णता प्राप्त करेगा। तो वैदिक मनोविज्ञान के सिद्धांत के अनुसार मनुष्य के सातों कोष जब तक चैतन्य हो जाएंगे तब तक समस्याओं से पीछा नहीं छूटे। मैंने बॉम्बे में वेस्ट का विचारकों के कुछ विचार पढ़े, तो आपस में मुसलमान ईसाइयों की कितनी बिटरनेस, कितनी खूनी देर, फिर भी उसको कजन बरादर कह रहे हैं और हमको ऑर्थोडॉक्स कह रहे हैं और हमको कह रहे हैं ईसाई बन जाओ नहीं तो मुक्ति नहीं होगी, स्वर्ग में नहीं जाओगे। मैंने उनको लिखा है, मैं बहुत कुछ लिख दिया,
मैंने कहा स्वर्ग अगर यही हो जाते तो कहाँ जाना पड़ेगा, स्वर्ग नरक तो यही है मेरे पास आओ। तो अब पीछे हट रहे हैं, इसे मर रहा है, तो भाई एड्स ठीक होगा। तो मैंने गणित याद करने यही मारवाई खरेजों को लिखा है कि अगर इसको आप अगर इसमें एक आहुति और डाल दो इस यज्ञ में तो मानवता का कल्याण हो जाएगा। अगर सारे संसार अगर इसको हाईलाइट किया जाए और सारे विश्व के एड्स होगी मेरी तस्वीर का ध्यान करिएगा, मेरा एक वेबसाइट है, नंबर है उसका www.bthd.compulter.org, उसमें सारा मैटर फीड है, जो केस ठीक हो रहे हैं गठिया के अस्थमा के कैंसर के एड्स के फीड है, उसमें मेरी तस्वीर भी है उसमें। उस अभी बताओ आपको 16 जनवरी को एक ईसाई औरत मेरे पास आई, ईसाई औरत तेल अबीब से इसराइल राजधानी से, और मेरे वेबसाइट का पता लगा तो जो मैंने बताया वेबसाइट में उस हिसाब से यहां पर उसने मेरा ध्यान किया, कुंडलिनी जाग गई, योगिक मूवमेंट शुरू हो गया। यहां आने के लिए अपने हस्बैंड को पूछा, हस्बैंड ने कहा तुम नशा करेंगे क्या, हिंदुस्तान में तो सन्यासी नशा सिखाते हैं, मैं नहीं भेजूंगा, रुकगी। मेरे शिष्य को उसने ईमेल करके कहा कि मेरा हस्बैंड तो इनकार करता है, तो उसने कहा तुम क्या मत गुरु जी को प्रार्थना कर। अक्टूबर में आ रही थी, जनवरी में आई, उसके हस्बैंड ने कह दिया चल हो या फिर तेरे जज के तो बुढ़ापे में नशा सीखना तो हो या, मगर याद रख मैं एरोड्रोम पे आऊंगा सामने और सीधा हॉस्पिटल ले जाऊंगा। उसने कहा जी ठीक है, उसने दीक्षा